साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के सभी किसानों को, गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है, इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर जो भी जरूरी कदम है, आवश्यकताएं हैं, उसे हमें उठाने ही हैं। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है, वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुंह पर पूरी तरह से ढका रहे। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है, और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हां, टीका लगाने के बाद भी मास्क और दो गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। Thanks for watching this video. Please subscribe for more videos. If you like this video, click the like buttons and give your comments.